हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शर्मिष्ठा मुखर्जी। आपके सामने मैं आज फिर से एक नए रेसिपी लाने जा रही हूँ। आज जो मेरी रेसिपी है वो स्वीट रेसिपी है, जो हमारे बेंगलुरु में खुद मेरी मम्मी ये बनाई है, उनकी खुद की रेसिपी ये है। तो आज मैं आपके सामने ये शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी का नाम है परिमल। ये स्वीट रेसिपी है, ये रेसिपी का नाम है परिमल। इसके लिए हमें तलने के लिए आवश्यकता अनुसार ऑयल चाहिए, 2 कप मैदा, खोआ 1 कप, 2 कप चीनी और खाने का सोडा है वो चुटकी भर चाहिए, और इसमें चाहिए मुझे सौंफ। सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगी। इस बाउल में मैंने मैदा, फिर मैंने 1 चम्मच सौंफ ली थी, फिर हाफ टेबल स्पून मैं सोडा डाल दूंगी, फिर इसमें मैन के लिए 2 चम्मच ऑयल, फिर उसके बाद जो एक खोआ है वो खोआ को मैं इसमें डाल दूंगी। ये खोआ का रेसिपी मैंने अपलोड करने वाली हूँ मैं, और ऐसे में भी आप बाज़ार में जाओगे तो आपको खोआ ऐसे आसानी तरीका से मिल जाएगी। और अगर आप मैं ये खोआ मैं अपने घर में बनाई हूँ, इसके लिए रेसिपी मैं आपको डालने वाली हूँ। अब देख लीजिएगा घर में किस तरह से खोआ बनाया जाता है, फिर इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप जितने लाइक्स करोगे, शेयर करोगे, मेरा एक्साइटेड और बढ़ते जाएगा और मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी रेसिपी लाते जाऊंगी। देखिए इसको अच्छी तरह से हम खोआ को ऑयल को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये अगर ऐसे ड्राई हो जाएगी तो थोड़ा बहुत हल्के हाथों से हम हल्का पानी लेंगे, क्योंकि मैदे में जल्दी से पानी देने से जल्दी गीली हो जाती है। इसको हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। जैसे हम आटे गूंथते हैं उस तरह से हमें ये टाइट आटे गूंथने हैं। देखिए ये जैसे रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उस तरह से हम ये टाइट पूरा करके रख देंगे, और 2 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ढक के छोड़ देंगे। ये जब तक आटे हम 2 घंटे के लिए रख दिए, तब तक हम चाशनी के लिए रेडी कर लेते हैं। हम 1 कप इसमें पानी देंगे और इसमें 2 कप चीनी डाल देंगे। इसके बाद इसमें 2-3 इलायची डाल देंगे, जिससे चाशनी में स्मेल और ये स्वीट भी स्मेल, इलायची की स्मेल आएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगी। इसके लिए हम ये चाशनी के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये चाशनी होती रहेगी तब तक हम दूसरी चीज़ के लिए होंगे। अब देखिए ये 2 घंटा हो गई है। 2 घंटे के बाद ये जितनी सॉफ्ट होनी थी हो गई, ज़्यादा हमें सॉफ्ट भी नहीं चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसको लंबा सा लंबे क्या कर दूंगी, फिर इसमें हम इसको छोटे छोटे गोली बना लेंगे।
ठीक है। इस तरह से हम इसको छोटी आकार की गोली बना लेंगे। आप चाहे तो ये बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन स्वीट है तो छोटा काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से हम बना लेंगे। पहले हम चक्की पे ऑयल लगा देंगे, फिर इसको फिर छोटी आकार में को पूरी की तरह छोटी आकार में इसको बेल लेनी है। बेलने के बाद हम इसको चक्कू से ये आकार देनी है, ये शेप देनी है मुझे, ठीक है। फिर इसके चारों तरफ मुझे पानी लगा देनी है ताकि वो चिपक जाए, तलने के टाइम में ना खोले। फिर इसको इस तरह से इसको राउंड बाय राउंड फोल्ड करते रहेंगे। देखिए ऐसे ये शेप आनी चाहिए, इसकी शेप ऐसी आनी चाहिए। देखिए ये मैंने इस तरह से शेप देके बना ली है, ये रेडी है हमारी तलने के लिए। इस तरह से अभी बनाओगे, इस तरह से रेडी है। मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर ली है, इसमें तलने के लिए मैंने तेल डाल दी है। ये तेल जब तक गर्म होती है तब तक हम हाई पे दे देते हैं। ये मुझे मीडियम आंच पे तलनी है, तलनी है, ना लो ना हाई, मीडियम पे मुझे ये तलनी है। अब लगती है तेल तलने के लिए तैयार है। अब ये हम एक एक छोड़ देंगे, धीरे धीरे हम छोड़ेंगे इसको, जितना हो सके आप उतने इसमें डाल दीजिए। बस हम धीरे आंच पे एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको तलेंगे। फ्रेंड्स ये मिठाई बनाने में थोड़ी सी तो टाइम लगती है, लेकिन खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, काफ़ी टेस्ट बढ़ जाती है। ये हम ब्राउन कलर, हल्के ब्राउन कलर में ये तलेंगे। जब तक ये हल्की ब्राउन कलर नहीं हो जाती तब तक हम ये तलते रहेंगे। देखिए ये हमारा तल के रेडी है, तल के रेडी है हमारा। ये गर्मा गर्म तल के ये हमने जो चटनी बना के रखी थी तुरंत इसमें डाल देनी है। तुरंत हमें इसमें डाल देनी है गर्मा गर्म। फिर जिस तरह से मैंने पहले वाली ये सब तली थी उस तरह से बाकी और सबको भी तल लेना है, लो फ्लेम पे बाकी सबको भी तल लेना है। देखिए हमारा परिवार गर्मा गर्म रेडी है। ये सारा गरम गरम मैंने ये चाशनी में डाल दी है, ये अच्छी तरह सारी चाशनी में मिल जानी चाहिए। चाशनी के अंदर हम इसको 10 से 15 मिनट तक डुबो के रखनी है। देखिए हमारा परिमल रेडी है। दिखने में अगर इतनी स्वादिष्ट लग रही है तो सोचिए दोस्तों खाने में कितनी टेस्टी लगेगी। अब ये जरा घर में आप एक बार बना के जरा ज़रूर देखिए, फिर मुझे कमेंट में लिखिए आपको किस तरह ये लगा। ये आपके लिए स्पेशली आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर सचमुच आपको सही से अच्छी लगी तो ज़रूर ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको प्लीज़ वेट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।